दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने हैं, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताने वाली हूँ, अगर घर में इन नियमों का पालन किया जाता है तो कोई वजह नहीं बनती कि माता माँ लक्ष्मी आपसे रूठी रहें, आपके घर में अन्न धन के भंडारे ना भरे रहें। कैसी भी दशाएं हों, कैसी भी अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, कुंडली में कुछ भी आपको दुर्योग क्यों ना लगाओ, फिर भी आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। माता अन्नपूर्णा, माता माँ लक्ष्मी का निवास सदैव आपके घर में रहेगा। इसके साथ ही दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहुकाल और विजित मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक दे दूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल बटन को ऑन पर कर लीजिए जिससे मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें। मैं आपको धन से संबंधित, माता माँ लक्ष्मी को मनाने के, आपको ग्रहों से संबंधित ऐसे वीडियोस, सरल वीडियोस देती रहती हूँ जिससे कि आपको ना भी अपनी कुंडली पता हो, अपनी समस्याओं से मैच करके आप उपाय करते हैं तो 100% आप अपनी समस्याओं से बाहर आ जाते हैं। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ जो नियमित आपके दिन को लकी और बेहतर बनाते हैं, भाग्य का आपको साथ दिलाते हैं। दोस्तों, हम सभी धन की कामना के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, हर कोई करता है, क्योंकि आज कलयुग में धन नहीं है तो आपका ना मान सम्मान है, ना आपके अपने रिश्तेदार, ना पड़ोसी, कोई आपका अपना नहीं होता। धन आपकी मूलभूत जरूरत है और होना भी चाहिए। हर व्यक्ति के धन से संबंधित हर इच्छा जरूर पूरी होनी चाहिए क्योंकि वो उसका अधिकार है, माता मां लक्ष्मी को रिझाना उसका अधिकार है। लेकिन आप ये सोचें घर बैठे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना होता है। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन आपके घर में अगर पूजा पाठ नहीं भी होती है फिर भी आप कुछ नियमों का पालन करते हैं तब ऐसा कोई कारण नहीं होता कि आपके घर में माता मां लक्ष्मी निवास ना करें। दोस्तों, आज मैं अब ये वीडियो आपको बाद में बताऊंगी, पहले मैं अपने जादुई अक्षर अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ। ये आपको पता है कि मैं नौ ग्रहों पर आधारित होते प्रतिदिन की गृह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आपकी कोई भी राशि हो, जन्मांग में ग्रहों की कोई भी अवस्था हो, किसी भी लग्न की हो, किसी भी देश में, किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग सभी के लिए समान रूप से उपयोगी प्रभाव है। मात्र एक मिनट के प्रयोग है जिसमें ना तो समय लगता है ना कोई धन खर्च होता है। जब आप इनको करने लगते हैं तो स्वतः ही माता मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहने लगती है। साथ में ही मानसिक तनाव दूर होता है, ऑरा क्लीन होती है, इम्यूनिटी बूस्ट होती है, घर में सुख समृद्धि और शांति आती है, भाग्य का आपको साथ मिलता है। 1 जुलाई 2022 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है सुबह 10:40 से 12:20 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:56 से 12:52 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में दोस्तों विशेष रूप से आपको दही में शहद मिक्स करके आप अपने इष्ट को अर्पित कीजिए और फिर इसे भोग स्वरूप खा लीजिए। अगर आप इस तरह भी खा सकते हैं कि केवल मनी मन परमात्मा को अर्पित कीजिए और उसके बाद इसे भोग स्वरूप आप ग्रहण कर लीजिए तो आज आपके जीवन में लग्जरी लाइफ, प्यार, रोमांस सब कुछ आपके जीवन में अट्रैक्ट होकर आएगा। आज का जादुई अक्षर है रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं क्योंकि इसमें आपकी ऑरा लग चुकी है तो अपनी चीज को आप नाली में नहीं डाल सकते। दोस्तों, धन हर कोई व्यक्ति चाहता है और कमाता भी है, हर कोई अपनी सामर्थ्य के अनुसार मेहनत करता है जितना उसे बन पड़ता है। ये बात अलग है कि उसकी कुंडली में कुछ ऐसे योग बने हैं या दुर्योग बने हैं जिसकी वजह से उसकी मेहनत सफल नहीं होती। तो क्यों ना घर में कुछ ऐसे आप नियम बना लें, घर की महिलाएं बना लें, घर के पुरुष बना लें, कि जिससे कि आपके घर में कैसी भी परिस्थितियां हो अन्न धन की कमी कभी ना हो, कहीं ना कहीं से आपको देवी कृपा मिलती रहे, माता मां लक्ष्मी आपके घर में अट्रैक्ट होकर आती रहे। ये तो मैं आज आपको शुक्रवार के ऊपर दे रही हूं, आप इसको अपने जीवन में फॉलो कर लीजिए, नियमित करते रहिए। तो क्या करना है, एक तो सबसे पहले घर की महिलाओं को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अगर आप वर्किंग है, काम करती हैं, उस परिस्थिति में ये आपके लिए छूट हो सकती है कि आप रात में लेट सो रहे हैं तो आप देर में उठ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पहले सुबह उठ जाइए,
सुबह उठने के बाद अपने आप मेन द्वार पर यानी मुख्य द्वार पर आ जाइए, वहां खोलिए, थोड़ा सा हाथ में जल लीजिए और छींटे देते हुए अपने गेट पर माता मां लक्ष्मी आपको प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ, घर में स्थिर रूप से निवास कर अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए, ऐसे बोलिए। उसके बाद हे कुल देवी, आपका स्वागत है, बंधन है, अर्चन है, स्थिर रूप से घर में निवास कीजिए। देखिए माता मां लक्ष्मी की कृपा के तो जरूरी है ये, साथ में जब तक आपकी कुल की देवी आपसे प्रसन्न नहीं होंगी तब तक आपकी कोई भी समस्या हल नहीं हो सकती। तो कुल देवी का आपके घर में प्रसन्न होना बेहद जरूरी है। आप हो सकता है उसके बाद जाकर आप दोबारा से आपको लगता है कि नहीं उठा जा रहा आपसे, आप सो जाएंगे, दोबारा जाकर लेट जाइए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये काम अवश्य कर लीजिए। मात्र इस काम को करने से, क्योंकि सुबह के समय माता मां लक्ष्मी भ्रमण पर निकलती है अपनी ध्यान दृढ़ता के साथ, जिस घर में भी इस तरह से द्वार पर छींटे होते हैं उस घर में माता मां लक्ष्मी स्वतः ही प्रवेश कर जाती है, और जहां घर पे गंदगी होती है, जहां माता का स्वागत नहीं होता, वहां दरिद्रता का निवास हो जाता है। तो पहला नियम यही है कि घर की महिलाओं को इसमें पत्नियां करें या उनकी माएं भी कर सकती हैं ये काम, किसी एक महिला को करना है, ये नहीं कह रही हूं मैं घर की सभी महिला को, एक महिला को जरूर करना है, क्योंकि आजकल एकल परिवार है तो पत्नियां ही ये काम जरूर करें। इसके अलावा एक बात का और आप विशेष रूप से ध्यान रखिए कि शुक्रवार वाले दिन विशेष रूप से अपने घर में आप चावल की खीर जरूर बनाइए, चावल की खीर बनाइए, मिश्री का भोग लगाइए। इसके अलावा अपने घर में अगर कोई सुहागन स्त्री आपके घर में आ सकती है भोजन के लिए, चाहे वो ब्राह्मणी हो या कोई और आपके जान पहचान की, उसे बुलाकर भोजन जरूर कराइए, और भोजन में ये खीर पहले माता मां लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए, उसके बाद थोड़ी सी खीर उन्हें जरूर खिलाइए, और साथ में अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर इस खीर को जरूर खाइए। तब भी माता मां लक्ष्मी को अर्पित करने के बाद ये आपके घर में माता अन्नपूर्णा की कृपा आपको दिलाता है, घर में अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहते हैं। तीसरा नियम है अपने घर में जो आप दीपक जला रहे हैं उस दीपक में विशेष रूप से शुक्रवार वाले दिन आप लाल कलावे की बाती डालिए, साथ में एक छोटा सा इसमें कपूर का टुकड़ा डालिए, और इस कपूर से ही माता की आरती कीजिए। देखिए इस कपूर की आरती से माता इतनी अधिक प्रसन्न हो जाएंगी कि वो आपके घर में विभिन्न रास्ते ढूंढेंगी घर में आने के। इसके अलावा दोस्तों चौथा नियम है कि अपने घर में अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति आता है, चाहे वो आपका काम वाला ही क्यों ना हो, उससे पानी की जरूर पूछिए, और अगर उसे पानी की आवश्यकता है तो उसे पानी जरूर पिलाइए, क्योंकि पानी पिलाने से आपके घर का राहु हमेशा शांत रहता है। जब आपके घर में राहु शांत रहता है तो किसी तरह का झंझट, झगड़ा, क्लेश, पति पत्नी में किसी तरह का कोई विवाद, ये सारे शांत रहते हैं, आपके घर में माता वाली माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर स्थिर रूप से निवास करती है। तो वो आप ये मत देखिए कि ये काम वाला है तो इसे हमें पानी नहीं पिलाना, जरूर पिलाइए पानी, और ग्लास भर के पिलाइए, ग्लास भर के आप पानी दीजिए, खाली मत दीजिए, क्योंकि खाली स्थान में राहु प्रवेश कर जाता है। सो बिल्कुल ग्लास को भर के पिलाइए। साथ में शुक्रवार वाले दिन अपने पूरे घर की सफाई कीजिए और थोड़े से पानी में कपूर का टुकड़ा डालिए, कपूर का टुकड़ा डालिए, एक कांच की बाउल ले लीजिए, इसमें कपूर का टुकड़ा डालकर इस बाउल को अपने मंदिर में घर में जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर से 5 बार घुमाकर अपने पूरे घर के कोने कोने में छिड़किए, हर कोने में इस पानी को छिड़क दीजिए, जिससे कि किसी भी तरह की कोई निगेटिविटी है आपके घर से, कोई भी आपके घर में निगेटिव ऊर्जा है, वो सारी की सारी इस कपूर की सुगंध से समाप्त हो जाए, और माता मां लक्ष्मी कपूर के धुएं से हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं, सो आपके घर में इस रूप से निवास कर जाए। संध्या के समय एक कपूर के टुकड़े पर 2 लौंग रखकर आप जरूर जलाइए, और इससे माता की आरती कीजिए। घी का दीपक आप अलग जलाइए, लेकिन एक कपूर के टुकड़े पर 2 लौंग रखकर माता को इससे आरती करने से भी माता मां लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाती है, इस रूप से निवास करती है। साथ में ही एक कपूर का टुकड़ा जहां आप धन रखते हैं अपने घर में, उस धन स्थान पर एक कपूर का टुकड़ा लाल कलर के कपड़े में लपेट कर आप रख दीजिए, और वह हमेशा कपूर की सुगंध बनी रहने दीजिए, तो कभी भी आपका वो गल्ला यानी कि वो आपका कैश बॉक्स कभी खाली नहीं होगा, हमेशा भरा ही रहता है। इसके साथ ही अपने घर में हमेशा नमक और चावल और चीनी, ये 3 चीजें हमेशा शुक्रवार वाले दिन ही खरीदिए। राहुकाल समाप्त होने के बाद ये तीनों ही चीज आप अपने घर में जब भी आपको महीने में जरूरत पड़ती है, मैं रोज नहीं कह रही हूँ, महीने में जब भी आपको जरूरत लगती है शुक्रवार वाले दिन ही लाइए। तो इससे तीनों ही चीजें चंद्रमा और शुक्र की युति, कुंडली में चंद्र और शुक्र की युति ये महाधनी योग बनाती है, साथ में चतुर्थ भाव में शुक्र उच्च का हो जाता है, और यहां से आपके जीवन में लग्जरी आना शुरू हो जाती है। तो जब आप ये प्रयोग करते हैं शुक्रवार को, ये तीनों चीजें अपने घर में लेकर आते हैं, तो इससे
आपकी कुंडली के नहीं आपके घर के अंदर ये योग निर्माण होने लगता है और धन के भंडारे आपके हमेशा भरे रहते हैं। माता माँ लक्ष्मी की विशेष आराधना आप कर सकते हैं तो जरूर करनी चाहिए, नहीं भी कर पाते हैं तो आप इन छोटे छोटे नियमों का पालन कीजिए। माता माँ लक्ष्मी के विशेष मंत्रों का जाप कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कीजिए या आप ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए अगर आपके बस में है तो। वैसे मैंने श्री सूक्त के ऊपर भी एक अपना वीडियो डाल रखा है, एक मैंने आपको मंत्र दिया हुआ है जो सावर मंत्र है, क्योंकि माता माँ लक्ष्मी के हजारों हजारों मंत्र है, आप किसी भी एक मंत्र को ले लीजिए। इस मंत्र के जाप करने मात्र से माता माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रसन्न होकर आने लगती है। शुक्रवार वाले दिन महिलाओं को अपने घर में हमेशा लाल कलर के वस्त्र पहने, पूजा करने जा रही हैं तब भी लाल कलर के वस्त्र अपने आसन बिछाएं, माता माँ लक्ष्मी को लाल रंग की रोली से टीका अवश्य लगाएं, केसर अर्पित करें और साथ में रोली का टीका अवश्य लगाएं, इससे भी आपके घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। साथ में पुरुषों को एक नियम बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात्रि में लौटते समय अपने घर वापस आते समय, चाहे वो ऑफिस से आ रहे हो जॉब से आ रहे हो, कुछ भी अपने साथ खाने पीने की चीजें हैं आप पता कर लीजिए, अपनी पत्नी से फोन करके पूछ लीजिए कि आज किस चीज की जरूरत है, वो लेकर आइए। इसको लाने मात्र से, क्योंकि आपको तो उसकी चीज की जरूरत है ही है तो आप ला भी रहे हैं, तो उस चीज को लाने भर से आपके घर में भंडारे भरे रहते हैं, हमेशा अन्न धन आपके घर में दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। एक लास्ट उपाय और आपको देती हूँ, आपके घर में जो भी चावल है उस चावल के अंदर आपके पास एक चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का, नहीं तो एक नॉर्मल सिक्का, पहले शुक्रवार वाले दिन माता माँ लक्ष्मी को अर्पित कर दीजिए गंगा जल से धोती दिखाकर धोकर, उसके बाद इसे ले जाकर अपने चावल के डिब्बे में डाल दीजिए और चावल खत्म होने से पहले उसके अंदर चावल भर दीजिए, डिब्बे को बिल्कुल भी खाली मत करिए, ना घर में कभी भी नमक मत खत्म होने दीजिए, खत्म होने से पहले आपके घर में आना चाहिए, साथ में चावल खत्म होने से पहले चावल आना चाहिए और चीनी खत्म होने से पहले चीनी ले आइए, कभी भी इन तीन चीजों को अपने घर में खत्म मत होने दीजिए। साथ में चौथी चीज जो विशेष रूप से है वो है दूध, कभी भी आप अपने घर में दूध को खत्म मत होने दीजिए, क्योंकि दूध चंद्रमा का सीधे सीधे चंद्रमा से संबंध रखता है, दूध के खत्म होने से आपके घर में मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, पति पत्नी के रिश्ते में भी खिटपिट चालू हो जाती है। शुक्रवार वाले दिन विशेष रूप से दोपहर के खाने में आपको दही जरूर खाना चाहिए, चाहे वो मीठा खा सकते हैं नमकीन खा सकते हैं, प्रेस करे हुए कपड़े पहनिए। मैंने इसमें अभी आपको इतने सारे उपाय बताए, मैंने पूजा पाठ नहीं बताई है, सिर्फ कुछ नियम बताए हैं कि शुक्रवार वाले दिन विशेष रूप से शुक्रवार वाले दिन और आप सातों दिन करिए, देखिए ओए होए फिर तो माता माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबानी हो जाएंगी। आप मुझसे भी सवाल करेंगे कि माता के क्या आपके पास भी प्रचुर मात्रा में धन है, जी बिल्कुल, मैं ये सारे ही नियम अपनाती हूँ, सभी चीजों का मैं पालन करती हूँ और ये मैं उपाय तभी देती हूँ आपको जब मैं आप आजमा चुकी हूँ और लोगों को मैंने ये कराए हुए हैं, उनका मैंने बेहतर रिजल्ट देखा हुआ है, मैं इसीलिए आपको बताती हूँ। तो देखिए करते रहिए दोस्तों, ये डेली के रूटीन है, इसमें मैंने कोई आपको नई बात नहीं बताई है, ये सारी चीजें आप डेली करते हैं तो विशेष रूप से इन पर ध्यान दीजिए, ये करते रहेंगे आपके घर में सुख समृद्धि आती रहेगी। विशेष रूप से नमक का पोछा लगवाइए अपने घर में, नमक चुटकी भर, वो भी नमक आपको पिसा हुआ नमक नहीं डालना है दोस्तों, वो कंकड़ी वाला नमक जो समुद्री नमक होता है, आपको मैं रॉक सॉल्ट नहीं बता रही हूँ, मैं आपको सेंधा नमक नहीं बता रही हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ समुद्री नमक जो कि समुद्र से निकलता है, जो कंकड़ी होती है, जो बहुत सस्ता आता है, समुद्री नमक यानी कि वो चंद्रमा, वो माता माँ लक्ष्मी की कृपा, जब आपके घर में उसका पोछा लगता है उससे घर की नेगेटिविटी खत्म होती है और माता माँ लक्ष्मी इससे प्रसन्न होकर आपके घर में निवास करती है। दोस्तों अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे, व्हाइट कलर के पेपर पर ग्रीन कलर से 5 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर सुखता प्रदान करता रहेगा, अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने साथ रख सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट में जय माता दी राधे राधे अवश्य लिखें, सब्सक्राइब करने के लिए अपने फ्रेंड सर्किल में और दोस्तों से भी कहिए दोस्तों, जिससे अधिक से अधिक लोग ये जानकारियां ले सकें। मैं आपको कोई खर्चा नहीं बताती हूँ अपने उपायों में, साथ में ही आप बस मुझे चाहिए तो आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास, आपके पास ये दो चीजें हैं तो समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ देने के लिए आगे आगे चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है 8077506510
इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का, ये सुविधा पेड है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से जानना चाहते हैं तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मेरे वीडियो के नीचे आपको वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए वो भी लिखिए, किसी अन्य विषय पर चाहिए वो भी मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए, अपनी किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं वो एक ही क्वेश्चन होना चाहिए, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना पर्पसेस, सब चार क्वेश्चन, चार चीजें लिखिए, साथ में अपना एक क्वेश्चन लिखिए। संडे वाले वीडियो में मैं आपका कमेंट सेक्शन लेती हूँ, वहाँ आपको आपका रेंडमली सेलेक्ट होने पर जवाब जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको कोई जिज्ञासा है, आप मुझसे जानना चाहती हैं, कोई पूजा पाठ के संबंधित है, कोई अन्य ग्रहों से संबंधित है, जिसके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो, आप जानना चाहते हैं, वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में लिखिए दोस्तों, मैं उसका भी आपको जरूर जवाब दूंगा। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि मेरे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहे। धन्यवाद मुझे अपना प्यार और दुलार देने के लिए, मेरी वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।